हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरोज की बहू चंचल बहुत ही सीधी थी। उसके बेटे अजय ने चंचल के साथ लव मैरिज की थी। चंचल गरीब घर से है, जिसकी वजह से अपनी बहू को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती पर भी उसे खून के आंसू रुलाया करती। एक दिन वो अपनी पड़ोसन शांति के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही होती है और चंचल हाथों में चाय की ट्रे लिए रसोई से धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। तभी शांति की नज़र चंचल पर जाती है और वो कहती है, क्या बात है बहू, तू इतने धीरे धीरे क्यों चल रही है? तेरे पैरों में चोट लग गई है क्या? जी आंटी जी, वो कल बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? दवा ली थी कि नहीं? वो क्या है ना, आजकल गुम चोट का पता नहीं चलता। उस टाइम जिस टाइम चोट लगती है, लेकिन फिर बाद में वो बहुत परेशानी देती है, इसलिए अच्छे से दवा पानी ले लियो। बस कर शांति, तू तो बिल्कुल डॉक्टर ही बन गई। थोड़ा सा पैर ही फिसला था, पैर टूटा नहीं था जो इतनी चिंता कर रही है। और वैसे भी ये तेरी नहीं मेरी बहू है, और मुझे अच्छे से पता है कि इसे कैसे रखना है, क्या करना है इसके साथ। और तू अपने पैर थोड़ा जल्दी चला और चाय दे हमें। जी माँ जी। चंचल इतना कहकर उसके पास आती है और चाय की ट्रे को टेबल पर रख कर एक एक कप उठाकर अपनी सास और शांति को देती है। जैसे ही सरोज चाय का पहला घूंट पीती है, चाय ज्यादा गर्म होने की वजह से उसका मुंह जल जाता है और वह चाय के कप को लेकर गुस्से में सोफे से खड़ी हो जाती है और अपनी बहू का हाथ पकड़कर गरम गरम चाय उसके हाथों पर डाल देती है। जिस पर चंचल दर्द भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, आह माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा हाथ क्यों जलाया? मुझसे क्या गलती हो गई? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस बेचारी ने क्या किया था, क्यों जला दिया तूने उसके हाथ? बहुत सी सास देखी है, लेकिन तेरे जैसी पत्थर दिल सास नहीं देखी, जो अपनी बहू को खून के आंसू रुला रही है। बहू तू जल्दी से जा, पहले जले हुए हाथ को ठंडे पानी से धो ले, उसके बाद उसमें दवा लगा ले। रुक यहीं, रुक, कहीं नहीं जाएगी तू जब तक मैं ना कहूँ, वरना तेरे ये जले हुए हाथ दोबारा कभी कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे। तू ये क्या कह रही है सरोज, सुधर जा, अभी भी टाइम है, वरना तेरी बहू के खून के आंसू जो तेरे अत्याचारों को सहकर निकल रहे हैं, इससे तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसी कलेश के वजह से मोहल्ले की कई औरतें तेरे घर नहीं आती है, अब मैं भी नहीं आऊंगी अब से। शांति इतना कहकर चंचल के सर पर हाथ फेर कर वहाँ से चली जाती है। आप ठीक है, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, आप कब आ रहे हैं घर? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, माँ जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा ठीक है, चलो कम से कम माँ ने तुम्हें अपना तो लिया, वही बहुत है मेरे लिए। और सुनो, तुम रो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। अजय इतना कहकर फोन रख देता है, जिसके बाद चंचल बेड पर बैठकर अपना सर दीवार से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने आप से कहती है, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी माँ अपनी बहू को खून के आंसू रुला रही है, वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। चंचल इतना कहकर आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंख लग जाती है। समय बीतता है। एक दिन चंचल हॉल की सीढ़ियों पर झुककर पोछा लगा रही होती है, तभी उसकी सास हाथों में मसाले की थाली लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी और गलती से चंचल का पोछा सरोज के पैरों में लग जाता है, जिस पर सरोज गुस्से में कहती है, तू हमेशा ऐसा काम क्यों करती है जो मुझे पसंद नहीं है? तेरी इन बड़ी बड़ी आँखों का क्या काम जब तुझे दिखाई ही नहीं देता? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं झुककर पोंछा लगा रही थी, इसलिए आपका आते हुए नहीं देखा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। आगे से तुझसे वैसे भी गलती नहीं होगी, मैं तुझे इस बार ऐसी सजा दूंगी। सरोज इतना कहकर अपने हाथों में लिए मसालों को चंचल के मुंह पर फेंक देती है, जिससे लाल मिर्च का पाउडर उसकी आँखों में चला जाता है और वो अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर रख कर सीढ़ियों की ओर बैठ कर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन सरोज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बगल की सीढ़ियां उतर कर बाहर चली जाती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर शांति वहां आती है और कहती है, क्या हुआ बहू तुझे, तू रो क्यों रही है? आंटी जी मेरी आंखों में मसाले चले गए हैं, हो सके तो मुझे रसोई तक ले चलिए, मुझे मुंह धोना है, बहुत जलन हो रही है आंटी।
प्लीज। बहू ले तो मैं चलूंगी, लेकिन इतना अत्याचार करना और सहना भी बहुत गलत है। मुझे पता है ये मसाले खुद तेरी आंखों में नहीं गए हैं, बल्कि तेरी सास ने डाले हैं। अपनी बहू को खून के आंसू रुलाने वाली सास आज तक नहीं मैंने देखी। चल तू मेरे साथ। शांति इतना कहकर चंचल को लेकर रसोई में जाती है और उसका मुंह धुलवाती है। आंखों में मसाले पड़ने की वजह से उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती हैं। कुछ देर बाद शांति वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन चंचल मार्केट से सब्जियां लेकर जैसे ही अपने घर के आगे पहुंचती है, तभी शांति का बेटा राजेश उसे रोककर एक आई ड्रॉप देते हुए कहता है, भाभी ये आई ड्रॉप माँ ने आपके लिए भिजवाया है, वो काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही दे आता हूँ। आंटी जी को कहिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, आपकी आंखें सच में लाल है बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है खून उतर आया हो आपकी आंखों में, जल्दी से आई ड्रॉप डाल लीजिए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। राजेश और चंचल को आपस में हंसता हुआ एक दूसरे से बातें करता हुआ देखकर सरोज घर के बाहर आती है और चंचल को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़कर बहुत बुरा भला सुनाती है। उसकी आवाज से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तभी उसका बेटा अजय अपने काम से घर वापस आता है और चंचल के साथ ऐसा बर्ताव देखकर कहता है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? चंचल ने ऐसा क्या किया है जो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? बेटा तेरी पीठ पीछे शांति के बेटे के साथ इसका चक्कर चल रहा है, मैंने अभी खुद इन दोनों आँखों से आपस में इन दोनों को हंसते हुए बात करते देखा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। बस सरोज, आज तूने हर हद पार कर दी। अजय बेटा, आज मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ अपनी बहू को कितने खून के आंसू रुला रही है। शांति इतना कहकर अजय को उसकी माँ के अपनी बहू पर करने वाले सारे अत्याचारों के बारे में बताती, जिसे सुनकर अजय हैरान रह जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप अपनी एक लौती बहू के साथ ऐसा करेंगी? आपको चंचल इतनी ही नापसंद थी तो आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? अरे मैं खुद इसको लेकर यहाँ से चला जाता, लेकिन जो उस टाइम पर नहीं कर पाया वो मैं अब करूँगा माँ, और जा रहा हूँ मैं अब अपनी पत्नी को लेकर इस घर से, आप रहिए अपने इस बड़े से घर में अकेले। अजय इतना कहकर चंचल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सरोज उसे रोकते हुए अपनी सभी गलतियों के लिए अपनी बहू से माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी उस पर कोई भी अत्याचार ना करने की कसम खाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।